हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सैयद नईम बुखारी के नाम है। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम बैक टू लाहौर, वेलकम होम। हाँ, बस मैं अपनी बेटियों के साथ आया था, साथ वोट डालने थे आज हाईकोर्ट की। किधर वोट डालने थे? हाईकोर्ट बार। आप बिलीव करते हैं अभी भी वोटिंग में? नहीं बेटे, कर लीजिए यार, एक बहाना होता है अपने बरादरी से मिलने का, तो कोई जो ये जीत जाए वो जीत जाए उसमें मेरा बोझ नहीं होता, बट यू मस्ट पार्टिसिपेट। लाहौर नहीं याद आता? नॉट रियली। देखिए, हम पांच पुश्तों से यहाँ हैं और मैं 92 में इस्लामाबाद चला गया था। ये लाहौर वो लाहौर है नहीं है, इट्स मडी, इट्स डर्टी, इट्स पोल्यूटेड। फिर दूसरी बात, इस्लामाबाद वंस यू आप उस पर रह जाए ना, फिर यू डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर एल्स। बट आपने शहर को छोड़ा, बट शहर ने आपको नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, देखिए वो लाहौर, यू ब्रिंग अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ लाहौर, आप साथ लेके जाते हैं जिधर भी आप जाते हैं। लाहौरी का एक कमाल है, हिस्टोरिकली तारीखी तौर पे लाहौरियों को बड़ी मार पिटी है, जो आया उसने फैंटी लगाई। क्यों? रस्ते में जो आते थे, वेदर इट इज पानीपत पर इट्स एनीबॉडी। सो थ्रू आउट, वेदर इट इज शेरशाह सूरी, एंड आई रेड इन अ बुक कि शेरशाह सूरी ने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश रह गई थी, मुझे लाहौर को तबाह और बर्बाद कर देना चाहिए। व्हेन तैमूर लंग केम हियर ही ऑल्सो फैंटिफाइड। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो लाहौरी है उसने इसके रिएक्शन में एक सेंस ऑफ ह्यूमर निकाल लिया है। हाँ। उसको हंसना आता है, जी आन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी मजा झट जाओ तो बुढ़िया ले जाओ, पर पानीपत जाकर लड़ना। सो वी हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ऑल दो ये जो मैं जवाब देने लगा, उस गुफ्तगू हम कर रहे हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब 70वें साल में मैं कन्विंस्ड हूँ कि हमारा जो प्रोविंसेस हैं ये लॉपसाइटेड है। पंजाब इज टू बिग। आई थिंक दैट आई एम नॉट थिंक आई एम क्लियर दैट द टाइम हैज कम कि छोटा करें, छोटा करें। इसमें सरायकी प्रोविंस भी बनाए, बहावलपुर स्टेट भी बनाए। इसका काउंटर नैरेटिव ये है कि दो पंजाब हो जाएंगे, हो जाए तीन हो जाए, ज्यादा जज आ जाएंगे, ज्यादा एनएफसी में हिस्सा आ जाएगा, ज्यादा कोटे आ जाएंगे, ज्यादा हर चीज हो जाएगी, सबको मजे आने। एंड अगर खैबर पख्तूनख्वा में हिंद को अलहदा है, यानी जो हजारा डिवीजन है, स्प्लिट इट। फाटा नहीं बनना चाहता हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का, न बने। अच्छा जी, आपके इंडिपेंडेंट प्रोविंस, आपके जो दोस्त हैं, स्कूल मेट हैं, बाकी जो हैं, ये नहीं तोड़ने देंगे पंजाब को, तख्त लाहौर को लाहौरी नहीं तोड़ने देंगे। जब तक ये नहीं करेंगे हम लॉपसाइडेड रहेंगे। जो भी पंजाब को कंट्रोल करेगा, सबसे ज्यादा नेशनल असेंबली की सीटें होंगी, फिर छोटी प्रोविंसेस कहेंगे जी ये पंजाब हम पे हुकूमत कर रहे हैं। पंजाब से याद है ऑफ कोर्स हमारा प्यारा सा पंजाब से कहना भूपी तो याद आया, मेरी एक भूपी होती थी बड़ी छोटी थी, मैं पुप्पे पे आ रहा हूँ, मैं पुप्पे पे आ रहा हूँ। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर होता था, 3 times प्राइम मिनिस्टर होता था वो। आपने उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, दोज आर ऑल दैट्स योर पैटेंटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, मगर आपने शाहजी क्या फूंक मारी है, क्या फूंक मारी है कि वो गिरते हैं फिर आते हैं फिर गिर जाते हैं, क्या आपने डाई, कैसे आपने डाइस को लोड किया हुआ है? देखिए फर्स्ट टाइम वो आए, एक तो लोग भूल जाते हैं, फिर यू हैव टू रिमाइंड देम। ये मियां नवाज शरीफ जिन्होंने मोहम्मद नाम बाद में लगाया, मियां मोहम्मद। अच्छा, मैंने सुना मियां बाद में लगाया। नहीं नहीं, मियां शुरू से ही मोहम्मद बाद ही लगाया, मियां ड्रॉप कर देता। अच्छा, ओके। ये 77 के ऑनवर्ड्स ये पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमें पता 80 में आए हैं, 85 में ये चीफ मिनिस्टर बन गए, 88 में माशाल्लाह दोबारा उस जयाउल हक ने लगा दिया। ये भाग के अपने लीडर को छोड़ के ये जयाउल हक की गोद में जाके बैठ गया, ठीक है, ये तो इनकी बैकग्राउंड है। जुनेजो साहब को छोड़, जुनेजो छोड़। सो इनका ये कहना इतने साल में आमरियत रही हो, बहु आप पैदावार ही आमरियत को, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ डिक्टेटरशिप। So please don't give us वो कहते हैं नजरियाती, ये कहते हैं सुधर गए, नजरियात, पीपल कैन रिफॉर्म शाहजी, पीपल कैन रिफॉर्म, ए लेपर्ड डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट, एंड ही इज नथिंग मच टू टेक। देख देख वजाहत, मुझे कोई खफगी नहीं है मियां साहब से,
ہے وہ تاجر ہے, اس کو آپ حکومت دو گے تو وہ زیادہ پیسہ بنائے گا. کانٹ ہیلپ ہمسیلف, اٹس لائک کلپٹومینیاک جس کو چوری کرنے کی عادت ہے, کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کا. سو میاں صاحب نے جو مال بنایا ہے وہ ان کا حق ہے. صرف میاں صاحب کو تکلیف یہ ہے, یہ لفظ نہیں ہے مجھے نکالا کیوں ہے. یو نو واٹ از دا کوسچن, مجھ سے پوچھا کیوں ہے؟ آئی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. یہ مجھے کہہ رہے ہیں ووٹ کا تقدس, وہ کیڑے ووٹ کا تقدس ہے؟ ساؤتھ, ابھی ساؤتھ کوریا کی پریزیڈنٹ, پریزیڈنٹ پارک کی بیٹی جیل میں ڈال دی. برازیل کا ہمارے سامنے انہوں نے پریزیڈنٹ کو امپیچ کیا, خاتون جو تھی گزرا آ گیا. دو دفعہ تھائی لینڈ میں, جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں, بڑی اچھی ہے, دو پرائم منسٹر بھائی کو ایک بہن کو پھڑکا کے رکھ دیا. ٹرمپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مورسی صاحب کہا کہنا ووٹ تھا تقدس بھائی, آپ کا خیال ہے کہ آپ کو ووٹ ملے تو آپ جو لٹ مارنی چاہیں لٹ مارے. وائی از اٹ برازیل کا سب سے امپورٹنٹ ان کا جو بندہ آیا تھا وہ لولو تھا, ٹرائل ہو رہا اس کا, ریفارمر تھا, ہو رہا ہے, ہی واز کریڈیٹڈ ود ٹرننگ اراؤنڈ دی اکانومی, اس کا ٹرائل ہو رہا ہے. اچھا جی, ان کا تو بڑا, پھر سے میں کہوں گا, بڑا معصومانہ سا سمپل سا ان کا نعرہ ہے جو اب ایک بہت بڑا سیاسی بیٹل کرائے بن گیا ہے. مجھے کیوں نکالا, میں تو پناما پہ کیس ہو رہا تھا, اقامے پہ نکالا, بیٹے کی بیٹے سے تنخواہ لینے پہ 12,000 تنخواہ لینے پہ نکالا. And people believe him. Let it. اچھا بات یہ, کہانی آپ جو مرضی بھی سنا لیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا نام ہی نہیں ہے پینما پیپرز میں. جی جی, میاں صاحب کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے انہوں نے کیا کیا. یہ سب شروع ہوتا ہے خریدی جانی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, اور یہ لندن W1 میں مہمان سے گزرا ہوں. یہ ہماری نہیں ہے, ہماری نہیں ہے, ہماری نہیں ہے, ہماری نہیں ہے. ساری دنیا کہہ رہے میاں صاحب تھی اتنے رہنے دیں. سو 1986 میں کہتا ہے 14,000 کہتا ہے جی وہ آتے. الٹیمیٹلی جو کیس سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اس کی بینیفیشل اونر ان کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے, بیٹی کون ہے؟ ڈاٹر آف اے ہولڈر آف پبلک آفس, شی ہیز ٹو اکاؤنٹ فار دس. ایک دوسرا بیٹا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ, ایک بہت بڑی اسٹیل ملز بنا لی ہے سعودی عربیہ میں. ہو از ہی؟ دا سن آف اے ہولڈر آف پبلک آفس. کس کہاں سے ابھی دیر میں. ایک تیسرا بیٹا ہے جو 99 میں کہتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں اور اس فلیٹ کا کرایہ دے کمز فرام دا فیملی. آئی ڈونٹ نو اٹ کمز فرام دا فیملی. بائی 2000 ہی از پروڈیوسنگ منی, فلیگ شپ بھی آ رہی ہے, ملٹی پلائنگ منی. انفارچونیٹلی ایز دی ہولڈر آف پبلک آفس میاں صاحب ہیز ٹو اکاؤنٹ فار اٹ, کیونکہ نیب آرڈیننس 85 آن ورڈ لگتی ہے. اس سے پیچھے جو ہو گیا وہ ہو گیا بھائی, ان کی دست ہے, آل سنز فورگیون. اب یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ آ گیا ہوں, مجھے ووٹ مل گیا, جیسے بھی ملا ہے. چلو آپ, آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, پیپل کین ہیو بیڈ چوائس. یہ میاں صاحب اب ڈیسپریٹ ہے, اب جتنا مرضی شور مچا لیں, جتنا مرضی شور مچا لیں, ان کو پتا ہے, ان کے وکیلوں کو پتا ہے, ان کے بچوں کو پتا ہے کہ دیر از نو ڈیفینس. کیلبری آ گیا نا کہ فاؤنڈ ہے ایسی نہیں کہ نہیں. ہاؤ ڈو یو اکاؤنٹ فار دی ادر؟ شاہ جی, یہ جو لیٹسٹ جو یہ آئی ہے ججمنٹ آئی ہے, اور اب جو 62(1)F والی آنی ہے, آپ مجھے پتا ہے سنڈے کو ڈان پڑھتے ہیں. جی جی, ڈان ہی میں آیا ہے کہ یہ ریگریٹیبل ہے. یہ جو پھر ای سی پی کا جو ڈیسیجن آیا ہے, وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دس از اے اسکرپٹڈ فارمولا جو جسے ہارس ٹریڈنگ زیادہ ہوگی. بحیثیت ایک وکیل مجھے بتائیں, آر یو ہیپی ود دس ڈیسیژن؟ آئی ایم ڈیلائٹڈ, دل سے, ناٹ ایز اے پولیٹیشن. نو نو نو, آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشن, ناٹ ایز این اپوننٹ آف نواز شریف. بھول جائے, میں بالکل اپوننٹ نہیں ہوں, میں تو ایک وکیل ہوں. میں نے ایک کیس کیا, بھول گیا. ابھی میں نے بریف ججمنٹ پڑھی ہے, اور چھوٹی سی شارٹ آرڈر جو ہے, اور کل مجھے کسی نے بھیجا ہے انڈین چیف جسٹس کا بیان مصرا کا, کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نااہل آدمی ہے, نااہل آدمی ہو, کنوکٹڈ ہو, ڈسکوالیفائڈ ہو, آپ کے نہیں تو پارٹی ہیڈ بن سکتا. دس از دی چیف جسٹس آف انڈیا سے. سو یہ ججمنٹ جو آنی تھی کہ آپ کے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, تو آپ کا ایک پرائم منسٹر, آپ نے کہا تھا میں تو پرائم منسٹر ہے نہیں, اصل پرائم منسٹر تو نواز شریف ہے, بڑے منہ ہے تیرا. مگر وہ میں نے ان سے پوچھا پرائم منسٹر سے, انہوں نے کلیریفائی کیا کہ نہیں نہیں وہ ایسی منہ سے نکل گیا تھا. منہ سے نکل, بھائی مانتے آپ اس کے, جس طرح وہ آتے ہیں ان پہ پھول نچاور کیے جاتے ہیں. ہیو وی نو سینس آف شیم؟
There be no sense of shame. ये वो मुल्क है. अब मैं एक ज़माने में prosecutor था NAB के लिए. मेरा ख्याल था इनकलाब आने वाले. यहाँ यहाँ लगता है इल्ज़ाम के तूने 60 करोड़ रुपया हुकूमती कबल किया. पता है वो अदालत में से कैसे आता है? Victory. और तानू कोई शर्म ही नहीं है. ये वक्त जब तक ये आएगा हम ठीक तब होंगे वजाहत साहब. जिस दिन एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस पे इल्ज़ाम लगे हम फैसला कर लें हमने तुझसे बात नहीं करनी. फर्स्ट गो एंड गेट योर नेम क्लियर. आप ये शर्जील में मन आता है बच्चा जी उसको ताज पहलाते बच्चा जी लोग उनके साथ हैं उनके उनके आपकी पार्टी के फाइव में को स्टिल कॉल यू अ पीटीआई मेंबर. मैं स्टिल कॉल यू अ पीटीआई मेंबर. आप पीटीआई के वर्कर हैं अभी तक हैं आपने नहीं छोड़ी. वर्कर आपका जो होम ग्राउंड है पेशावर डिड यू सी इतना बड़ा जलसा किया है. पीपल ऑफ बाइंग द नैरेटिव उनका एक नारा है जो काम कर रहा है. आपका नारा थोड़ा सा पुराना हो गया. पैनमा इज लास्ट सीजन लास्ट सीजन. मगर कमिंग बैक आज भी आया है निया साहब ने बड़ा एक लोडेड लव्ज इस्तेमाल किया लोडेड फ्रेज इस्तेमाल किया प्री पोल रिगिंग. इसी स्टेटमेंट और इसी जजमेंट पे जिसपे आप अभी अपना तज्जिया दे रहे हैं और जो उन्होंने नहीं कहा वो मैं कह दूं जो बात चल रही है लाहौर में कि देयर वाज अ मिशन इमरान. ठीक है. एंड देन दैट मिशन इमरान मे बी उसका बैकअप मिशन वॉज मिशन शहबाज विद मिशन निसार अलॉन्ग द लाइन्स एंड डेफिनेटली मिशन गो नवाज गो इज डन. नाउ इन दोनों में है कि अब हमने इधर से आना है या इधर से आना है. कहने का मकसद है कि देयर इज अ स्क्रिप्ट. इज देयर अ स्क्रिप्ट? आई जो देखिए यहाँ हर बंदा ऐसे बात करता है कि जैसे रात को सोने से पहले बाजवा ने उसको बोसा दिया पक्का कल मैं ये करने लगा. वी आर अ नेशन फुल ऑफ र्यूमर मॉन्गर्स. नाउ दिस इज इफ देयर इज व्हाट इज अनफोल्डिंग एज आई कैन सी इट. दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग. एक राव अनवार का गायब हो जाना जिसको जुल्फिकार मिर्जा कहता है कि आसिफ जरदारी का ये फेवरेट है. आबिद बॉक्सर का कराची आ जाना और पंजाब में जाना और कहा जाता है कि वो शहबाज शरीफ का फेवरेट है. तीसरा यह है कि आशियाना में एक ब्यूरोक्रेट को नप लेते हैं एलडीए का फॉर्मर उसको नप लिया. मैं अगर पीछे हट के Forgetting Dawn कि scripted है कि नहीं. This is the way I am seeing it. I see Zardari running away. I think Mia sahab, ए सारा तड़िया मैं देख लूंगा मैंने. You know he talks in the third person. आप नवाज शरीफ का नाम लेना चाहते हैं आप नहीं ले तो मैंने नवाज शरीफ से कहा बम चला दो एक बार. थर्ड पर्सन दिस इज मैनियक. There's something wrong with his act. I noticed that. Moronic. मियाँ साहब भी भाग जाएंगे. मेरी प्रेडिक्शन है शहबाज शरीफ भी भाग जाएगा. आप प्रेडिक्ट करो उनका तो बड़ा चॉइस है. बड़ा सिंपल बिटवीन टू पीपल शाह महमूद कुरैशी एंड निसार. दीज आर माय फेवरेट. आई लाइक टू बेट ऑन वन ऑफ देम केयरटेकर सेटअप. इफ इन दिस सिनेरियो और मैं पहले कह चुका हूं कि आपका वहम है कि ये 30 जुलाई 2009 का फैसला फौज का रास्ता रोकती है. ये आपका वहम है. द मोमेंट द आर्मी रिफॉर्म फोर्सेस कम टू द ग्लियर दैट द स्टेट इज गोइंग ये बेच आएंगे या बेच चुके या हम आ गए हैं वो जो ग्रे एरिया में हम पहुंच गए थे. सपोजिंग सैंक्शंस आर लेवल्ड अगेंस्ट अस हु केयर्स अबाउट डेमोक्रेसी आफ्टर दैट. वो बहो ना या काटी करो. इफ देयर इज अ स्क्रिप्ट आइडियल स्क्रिप्ट वुड बी फॉर द नेशनल असेंबली टू बी रिजॉल्व्ड By Abbasi himself. The less ideal script is that it outlives its term. Gini dura, July. Comes in a caretaker setup. Ye bhool jaye PMLN or PPP. Ke leader of the house or leader of the opposition se consultation okay hoga. Nahi hona. Aayega caretaker setup. What if the caretaker prime minister goes to the Supreme Court of Pakistan and gives them a list of issues? Eh, ye kam kar lenge se. ਅਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਵਟ ਵਿਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡੂ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਹਤੇ ਮੁਲਕ ਟੂਟ ਰਹਾ ਤੇ ਕਹਾਂ ਹਾਂਜੀ. ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਏਜੰਟ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂਜੀ. ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹਾ ਹਾਂਜੀ. ਹਮਾਰੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ. ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ. ਨਹੀਂ ਹਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ.
हाँ ठीक है ऐ नहीं होना भाऊ जो मर्जी कर ले आप बट स्टिक टू द कोर्ट्स शाह जी स्टिक टू द कोर्ट्स ये एक और चल रही है आजकल फिर पूछूंगा एज अ लॉयर कोर्ट्स पर्सनल तो नहीं हो रहे आई डोंट उधर से वो उस बंदे ने दूसरी साइड ने तो अपनी वॉली खोली हुई है ना रोज आर्टिलरी तोप खाने से गन फायर होता है एंड वो कुछ लोग कह रहे हैं इनविटेशन टू द आर्मी भी है ऐसा ने कह दिया जो सिचुएशन बन रही है ये इनविटेशन टू द फौज है मगर डोंट द कोर्ट्स साउंड अ लिटिल पर्सनल और एम आई रॉन्ग हियर नहीं 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 देखिए एज ए माइनर लॉयर मैं अपने आप को बड़ा वकील नहीं समझता ये जज साहिबान इस सोच में आ गए हैं We can't let things go on like this. हमने भी कुछ करना है नो बिल्कुल इनके पास ऑप्शन है The highest paid government job in this country is a judge of the Supreme Court. पैसे जेब में पाए अच्छा जी आले आज ये प्रीएम्प्शन का केस क्या क्या नहीं भत्ता तू तो क्या जाना है हक छुपा करना है क्या नहीं They can do that. उनमें कोई अजीब सी I see a certain responsibility. Responsibility. ये हमने करना है We owe it to the people. What is, why is Mia Sahib, Saqib Mia Sahib, what difference does it make to him? Ke dudh bhi nahi aa raha hai ya Karachi ko paani nahi mil raha hai. Why would he care? He should say, bhai mere itna Chief Justice House mein paani mil raha hai. Why would he? But a certain sense of responsibility appears to be in the eyes of most of the judges in this. Magar when the Honorable Chief Justice of Pakistan, jab wo kehte hain ki meri 1.5 lakh ki fauj hai. ये बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है इस मुल्क के लिए बट ट्रू एनी वी विल रन विद दैट एनालॉजी वी विल रन विद दैट कंपैरिजन तो सवाल ये बनता है कि वो जो 1.5 लाख की फौज है उसमें आप 111 ब्रिगेड कमांडर हैं शाह जी या आप मरी के जियो से ही हैं या आप पिंडी के कोर कमांडर हैं जब हम फिल्मदीद तकरीर करते हैं ये जनाब लोडेड है कि स्टेटमेंट कि नहीं दोस्त मोहम्मद खान साहब ने भी जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे पेशावर के वकीलों का था जनाब चीफ जस्टिस ये आपकी फौज है ठीक मैं वकला गर्दी के खिलाफ हूं जब मेरा कोई काला कोट वाला किसी सिपाही को लपड़ मारता है मुझे दुख होता है जब ये जजों को गालियां देते हैं मुझे दुख होता है मैं दो बेटियों का बाप हूं जो पढ़ रही हैं मैं हल्फन बयान करके कहता हूं वकील का रिश्ता आए मैं नहीं दूंगा मैं कहता हूं तू वकील नहीं तू गुंडा है कप्तान का रिश्ता आए मैं फौरन दे दूंगा You are serving the nation. हम में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पेशे को बदनाम कर दिया है हम का जैसे कहते हैं ना कि ये एक लिहाज वो खत्म हो गया आई सी दैट एवरी डे आई वुड लाइक टू थैंक दैट द चीफ जस्टिस के आप मेरी फौज हैं इट रियली इज परहैप्स उनके जहन की पुरानी याददाश्तों में ये फ्रेज है ये एक्चुअली फ्रेज जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने पेशावर में इस्तेमाल किया शाह जी बजवर्ड चीफ और बजवर्ड फौज को अगर आगे लेके चलें एक और चीफ है एक और फौज है उसका भी एक टिपिंग पॉइंट होता है खाकी टिपिंग पॉइंट अलग अलग टेम्परेचर पे ना खाकीज बॉयल होते हैं अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें कभी 98.7 पे होते हैं कभी 102.5 पे होते हैं ठीक है आजकल काफी प्लेजेंट हुआ हुआ है मगर पारा वैसे चढ़ा है इनका टिपिंग पॉइंट क्या है आखिरी तिनका कौन है Which breaks the camel's back. हाँ, ये पता नहीं नहीं पता नहीं पता लेकिन जो बातें फैली हुई हैं वो ये हैं कि इस करंट आर्मी चीफ को पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश की दैट बिकॉज़ द इंस्टीट्यूशन इज स्ट्रॉन्गर जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं अमेरिका तो लंदन में जब मुलाकात हुई है तो नहीं क्या कह रहे हैं आर्मी चीफ को कट दिए तो की होगा सेम ओल्ड थियरी यू नेवर लर्न तो उनका उनको जवाब मिल गया इसमें कोई शक नहीं जो मैं समझ रहा हूँ या देख रहा हूँ इनको मैं मिलता हूँ फौज बिल्कुल रिलक्टेंट है टू टेक ओवर क्यों आज वाई शुड दे टेक ओवर क्या चाहते हैं जो नहीं हो रहा कभी हुआ है कि रईस शरीफ आर्मी चीफ हो और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ आपको चीन आप जाए वजीर आजम जाए तो वो खुटे लाइन लगा हुआ है आपका आर्मी चीफ जाए तो वो आगे लगा हुआ है चीनी को हमारी फूफी के पुत्र है क्या है हमारा कल्चरल कॉमनैलिटी विद चाइना जो वहां मुसलमान है उनकी उनने दुर्गत बनाई हुई है वो किससे गुफ्तगू करना चाहते हैं नॉट विद नवाज शरीफ
with the فوج of Pakistan. سپیک کس نے سنبھال کے رکھنا ہے میاں صاحب نے زمینیں خریدنی ہیں بٹ فوج کا ٹپنگ پوائنٹ کلیئر نہیں ہے نہیں مجھے نہیں پتا یا تھریشولڈ بہت ہائی ہو گیا دیکھیے انہوں نے گراب کر لیا بہت کچھ اوور دی انکمپیٹنس اوور دی کرپشن آف دی سیویلین سیٹ اپ ہندوستان سے ہم نے کیا کرنا سیویلین سیٹ اپ نہیں کر سکتا کچھ افغانستان میں کیا ہونا یہ تو اس کا مطلب ہے شاہ جی بھرتی ہو جاتے ہیں میں اور آپ فوج میں چلیں یہ کینٹ میں ریکروٹنگ سینٹر ہے میرے گھر کے پاس چلیں لیٹس گو نہیں نہیں وہ کیا ہوتا ہے کرنل آف دی ریجیمنٹ بنا دے سٹیپڈ اوے فرام دیم آپ نے پہنا بھی بلوچ کے کلرز ہوئے ہیں مگر مجھے دیٹس ڈس اپوائنٹنگ کہ مطلب خالی فوج سے ہی ہوگا ہم سے نہیں ہوگا اب ایک میں آپ سے عرض کر دوں ایک زمانہ تھا کہ جب فوج میں جنرل علی کلی خان امیر آدمی آتے تھے نواب آف ٹنک کا گرینڈ سن آتے تھے یہ فوج لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی ہے میرا جو اب جرنیل ہے نا وہ کسی ارب پتی کا بیٹا نہیں ہے نواب نہیں رہا نہیں نا کون سا شہر ہے کون سا گاؤں ہے جس میں سے ایک نہ ایک بچہ فوج میں ہے چاہے دیکھیں مجھے ایک انسیڈنٹ یاد ہے ایک ہوئی تھی پاسنگ اور پریڈ ہو رہی تھی تو ایک جوان لڑکا آیا جنرل ضیاء الحق تھے میں نے کہا صدر صاحب السلام علیکم میں نے کہا ہاں بیٹا کیا ہے میرے والد صاحب کو ملے یہ کوچوان ہے میرے والد صاحب کو ملے یہ کوچوان ہے وہ بہت پیار سے ملے مائی آرمی جو آفیسر کارڈر ہے اٹ از کمپوز لوور مڈل کلاس اینڈ مڈل کلاس میرا بیٹا عباس ہے چوائس ہے میرے پاس اسے ایل ایل بی آنرس کراؤں کہ اسے فوج میں بیٹھوں میرا دل کہتا ہے مجھے فوج میں جاؤں اور کچھ نہیں تو بندہ بن جائے گا صدا ہو گیا ہے اور اگر اس نے قربان ہونا ہے تو ہو جائے نا یہ تو ہم پوری طرح بتاتے نہیں یہ وار آن ٹیرر نے ہمارا بڑا سولجر مارا ہے پہلی جنگ عظیم سے اب تک جو جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں کسی بھی میجر فوج کی اس میں آفیسر ٹو جوان یا آفیسر ٹو مین جسے کہتے ہیں کل ریشیو سب سے زیادہ ہے ہمارا آگے بیٹھا ہوا لڑکا میں دیکھتا ہوں 22 سال کا لڑکا 25 سال کا کپتان ہے بٹ شاہ جی آن دی ادر سائڈ ایک نیریٹو بھی بلڈ ہوتا ہے پھر سے لیٹس گو بیک 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک پاکستان کے مضافات میں ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے کہ یہ سب پپٹ ماسٹری ہو رہی ہے اور میں اور آپ بیوقوف ہیں یہ بلڈ اپ ہوتا ہے اور ہمارا ووٹ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے ووٹ ساڈا دیکھیے میں یہ جب کیس شروع کیا اور کیس ختم ہو گیا مجھے تو کوئی صفائی نہیں ملنے آیا اگر سکرم کوڑی ہوتی تو بھائی سانو ساڈے بھی کچھ جذبات نے کرنل آف دی ریجیمنٹ سب یہ ہم ریومرز ہیں 6 جنرل بیٹھے ہوئے ہیں میجر جنرل بیٹھے ہوئے ہیں آگے میز ہے وہاں مورے لگے ہوئے ہیں میاں پیچھے کر دی مجھے نہیں آتا آئی ڈونٹ تھنک وی آر ریٹنگ دم ٹو ہائی وی آر ریٹنگ تھنگس فلو تھنگس ہیپن یہ کہ کوئی بڑا ماسٹر پلان لے کے آیا یہ ضرور ہوتا ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ میں دیٹ اے بریشر ینگر لیوٹنٹ جنرل دے ہاؤ لانگ یہ ڈان لیکس الٹیمیٹلی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ویئر دے از لیڈنگ ٹو ہاؤ لانگ آر وی گوئنگ ٹو سفر دس I don't know. I'm not managing it, but this baat ka. Why would a Chief Justice of Pakistan refuse to meet the Commander-in-Chief? Why would he? If all the armed forces shall act as head of, and every executive power shall add an head of the Supreme Court, kisne madad karni hai aage Supreme Court ki? So, ye kehna ke koi judges do mile hain ji army chief se, so what? مگر شاہ جی یہ جو تمام جو روڈیں ہیں وہ چلتی جائیں آرمی ہاؤس تک جی ایچ کیو تک ہمیشہ کے لیے ایسا یو سی کہ ہمیشہ کے لیے یہی سولوشن ہونا چاہیے لیٹس ناؤ لک ایٹ سم مسلم سٹیٹس بیکاز چیف کے دفتر میں جو ایک پاور ہے جو نیچرلی جو گریویٹیٹ کرتی ہے اس کا ایک ہسٹوریکل تقاضا ہے ایسی نہیں ہوتا نہ افغانستان میں کرتی ہے نہ ایران میں کرتی ہے نہ انڈیا میں کرتی ہے ہمارا سول اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے بٹ Are you happy کہ یہ ہر وقت ایسی ہوتا رہے مجھے نہیں پتا دیکھیں نا وی وانٹ اے ڈیموکریٹک میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا جنرل پرویز مشرف میں ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ تھا کیا آپ بازور شمشیر آئے کہتے ہیں میں جمہوریت لانا چاہتا ہوں خدا نہ خواہ کر یو ہیو کم آن دی سٹرینتھ آف دی سورڈ اتنی دیر رہو
जितनी देर तलवार रख सकते उतनी देर ही रोक। लेट्स लुक अपॉन मार्शल लॉ एज अ बास्टर्ड चाइल्ड। द मोमेंट द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बिकम हलाल इट्स इन डिफिकल्टी एज लॉन्ग एज इट ताड़ी एज ताड़ी एज मैं लमिया पा के रखा तानू आई थिंक आई विल बी इन ट्रबल बिकॉज महाज पे मार्शल लॉ की इतनी बातें नहीं हुई जितनी आज हुई है। किसने बचाना है इस मुल्क को भाई, किसने बचाना है? Day Mr. Jahangir Tareen Khan saab was disqualified, my chairman should have distanced himself from him. Kya us ilaake mein ek shakhs nahi hai jo worker ho jisko ticket diya ja sakta hai? To phir hum kyun khafa hain ki PMLN ne ek khatoon jiski main bahut izzat karta hun wo bimar hai usko candidate bana diya? Aapki party pe aa jate hain on that answer, on that question. Aapne clarify kiya ki aap party mein hain. You're a worker, proud worker of the party. अच्छा, मगर मैंने सुना उस दिन आप कहीं जा रहे थे और कोई एक बंदा है जिसका नाम है जहांगीर खान तरीन वो आ रहा था और उसने आपको घूरी मारी है। मेरा ख्याल है और उसकी मूछें इतनी बड़ी है नहीं मगर वो भी कार देता वो मारिए घूरी। सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा था केस गन्ने वाला, कितना गन्ना उठाएंगे, 3 मिलने बंद है वहाँ, एहतजाज ऐसन भी बैन कर रहे, तो वो आए तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मुझे उनकी मारूसी घुरी वाज इट अ मारूसी घुरी लगता है एक मारूसी घुरी थी। सारे वो खफा होंगे भाई, कोई नहीं कहा, किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैंने, सिर्फ ये था मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा था, लुधियाना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 3.5 लाख वोटर, आपको 90,000 वोट मिले, पिछले ज्यादा मिले थे, एक शख्स ने जिसको टिकट दिया जा सके, नॉट वन पर्सन। सीक्रेट क्या है ये जहांगीर खान तरीन और इमरान खान का, ये क्या है, व्हाट ये क्या रिलेशनशिप क्या? आई हैव नो आईडिया, बस हामिद खान साहब का ख्याल, बट इट्स समथिंग गोइंग ऑन। हामिद खान साहब जो यानी जहांगीर खान तरीन साहब से बहुत नफरत करते हैं, बड़े सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जहांगीर खान तरीन साहब भी मेरे ख्याल है उतनी ही नफरत उनसे करते हैं। उनका ख्याल है कि जहांगीर खान तरीन साहब पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाया है, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को कॉर्नर कर लिया है, ये कह कह के ये कर खत्म कर देते, ये कर देते, उन्हें कोकून करके माउंट ओलंपस में बिठा दिया गया, तो उनको वर्कर से दूर कर दिया, ये उनका है। इमरान खान साहब से मैंने एक डू यू बिलीव दिस? नो आई डोंट, आई डोंट बिलीव। मैंने कहा खान साहब खुद अलग हो गए, मैंने चेयरमैन साहब से अर्ज किया कि ये पार्टी हैंड ओवर कर दें टू द नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन जहांगीर खान तरीन नहीं है, वो लड़का और लड़कियां हैं, विच इज द कोर स्ट्रेंथ ऑफ पीटीआई, जो आपकी मुल्क की मेजोरिटी है, जवान है, नौजवान है, उससे मुझे मेरा ख्याल में, हालांकि मैं सियासतदान नहीं हूं, मेरा ख्याल है मेरा चेयरमैन दूर हो रहा है। क्यों? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। शाजी कम ऑन, सिक्योरिटी रिस्क, कम ऑन, कैसे नहीं पता? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ना मैं उनके इतना करीब हूं, मेरा तो एहतराम का रिश्ता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ट्रक में ना बैठ यार, तुझे क्या हो गया, यू सिट इन अ ट्रक, यू आर कंटेन्ड इन द ट्रक, नीचे हो। Why must you go? लाहौर आप क्यों आते हैं मोटरवे पर, जहाज पे, ग्रैंड ट्रंक रोड से आप, हर चौक में आपका करिश्मा है, बोटो ट्रेनों में घुमा है, साथ कॉर्नर मीटिंग्स में बैठा है, उसी बात, सिंध खाली पड़ा है, MQM is torn into 3 or 4 or 5, the chairman should be in Sindh for 2 months, working his way from one end of Sindh to the other end of Sindh. ये जब आप बातें करते हैं, ये बागी बातें हैं, तो वो कैसे, how does he, उनके लिए तो बागी हैं। नहीं, कोई बगावत नहीं है, इसलिए उनसे मुलाकात कम होती है, इसलिए टीवी पर क्या जुबत है। खान साहब must base himself in Sindh. खान साहब must tour Punjab. One end of the Punjab to the other. And not in a jet. जाए, रात रहते हैं, हम टेंटों में रहते हैं। अच्छा, अक्सर अगर उन्होंने ये ना किया तो मैं पीटीआई गुलालाई जॉइन कर, ना अल्लाह ना। अच्छा, बेस्ड ऑन दैट आयशा के बारे में नहीं बट हमारी भाभी के बारे में। जी, जी। एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है, पहले मंगनी होती है, फिर शादी होती है, उसके बाद साथ ही तस्वीरें होती हैं, ठीक है, इधर पहले कंफ्यूजन होती है, हाँ। फिर शादी होती है, और जो तस्वीरें होती हैं उन पे सवालिया निशान लगाया जाता है, कब की है, कब की है, पिछले महीने की, इस महीने की, ये क्या हो रहा है? देखिए, मुझसे तो नहीं उन्होंने मशवरा किया, अगर खान साहब मुझसे मशवरा करते कि नहीं, आई एम लोनली, आई एम 66 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह, मैं कहता खान साहब बिस्मिल्लाह करके ब्याह करो,
यार मुझे वहां वो अच्छे लगते हैं लोग, मैं कहा चलो चलने रिश्ता मांगने भी बंदे नथिंग रॉन्ग नगा पढ़ाने हैं वापस ले आने व्हाट इज सो सीक्रेटिव अबाउट इट सो मे बी खान साहब में वो चलाकी वो फुर्तबाजी वो होशियारी कुड़ियों के मामले में नहीं है नहीं मुझे लगता शायद मैं बता मैं क्या कहता फिर रिपीट करता हूँ ऐसा बेटा पैदा करने वाली माए मर गई आज मिला उसको ट्रू मैं आई गिव यू अ सिंपल टेस्ट बट ही इज लूजिंग ग्राउंड शाजी लेट मी गिव अ सिंपल टेस्ट आप ट्राई कर लें आस्क एनी वुमन जो हामला है और उसके हाँ उसे पता लगता है बेटा होना उसे पूछ लें जरदारी जैसा बेटा चाहिए नवाज शरीफ चाहिए इमरान खान जैसा उफ, 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 मुश्किल मुश्किल याद ना, 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 मैं यकीन से कहता हूँ 95% इमरान खान इज द मैन इसमें कोई शक नहीं ना पॉलिटिशियन की अप एंड स्विंग होती है ही मे बी ऑन ए डाउनवर्ड स्विंग एट दिस मोमेंट और वैसे भी हमारी अंडरडॉग से हमदर्दी बड़ी जल्दी हो जाती है आपको पता है बॉनी चार्ल्स को जब फांसी लगा रहे थे जाने गए तो रास्ते में उसको अंडे मारे लोगों ने उसको फांसी लग दी वो लोग रो रहे सारा बादशाह मार छोड़े यू किल्ड हिम शायद यही चीज मियां साहब के साथ हो रही है देयर इज अ सिंपैथी फैक्टर विद हिम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुक जाएगा मगर ये खाली सिंपैथी फैक्टर पे तो नहीं डाल सकते ना एक बड़ा बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज है पंजाबी में निंदर हैं और इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन है स्लम्बर हाँ सोई हुई है पीटीआई सोई हुई है या मे बी आई एम रॉन्ग मे बी ये मेरा इदारिया कम्प्लीटली गलत है बट मुझे नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन ईयर की तरह बिहेवियर चल रहा है मैंने मुझे नहीं एक मुझे पता है कि हमारा एक इलेक्शन सेल बनाया गया है जिसमें एक वेरी सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट इंचार्ज है उनका नाम क्या है वो भी नहीं मुझे पता क्योंकि मैं इनर वर्किंग्स में नहीं हूँ पीटीआई की आई विश आई कुड शेयर विद यू कि नहीं लिस्टें बन रही हैं वो हो रहा है प्रोज एंड कॉन्स हैं दिस इज़ ए पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी बैकग्राउंड चेक हो रही है पता करना उसको कितने पैसे उसके पास हैं कितने लगाने पड़ेंगे उसके वो आई डोंट नो आई रियली डोंट नो आर वी अगर क्या माई चेयरमैन इज स्टिल थिंकिंग कि कम जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर His train will start. It'll be the 1970s Zulfikar Ali Bhutto train. It should. Should be. If that is the theory, all right. Lakdi ko lakkad ko de do ticket. Aapko vote da. I'm not so sure that is going to happen. Mujhe spurts nazar aate hain. मुझे 5-6 दिन सिंध में नजर आते हैं फिर मुझे 3-4 महीने सिंध में सन्नाटा नजर आता है मुझे एमक्यूएम की इम्प्लोजन नजर आती है हमारे सामने हुई है आपके सामने हुई है कल परसों एक कराची का एमक्यूएम के अपना अपना पीटीआई के लीडर हैं उन्होंने मुझे ना व्हाट्सएप पे भेजा कि ये हमारी मेंबरशिप ड्राइव हो रही है तो मैंने फौरी पूछा दस्ती पूछा मैं का खान आ रहा है कहता है मे बी इसका क्या मतलब है सबसे बड़ा शहर है उसकी सबसे बड़ी पार्टी टूट गई है By default, आप सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थे पिछली बार By default, आप इस वक्त एक टांका मारने की पोजीशन में स्विंग कर रहे हो बॉल इट्स वर्किंग फॉर यू हवा आपके लिए चल रही है बॉल की शाइन सही है why aren't you there? I can't answer that question. Who can? Khan sir himself. But he doesn't. आप अभी तो इंटरव्यू करके आए आप उनके साथ अच्छा उनसे पूछ अच्छा नहीं मुझे 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 कुछ चर्चा हो गया बट आई विल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बट शाहजी मूविंग ऑन टू मो हमारा आखिरी सवाल वे आउट ऑफ टाइम टू एंड ऑन अ मोर प्लेजेंट पर्हैप्स टॉपिक मरियम नवाज साहिबा के बारे में क्या ख्याल है आपका बेटी है मेरी मेरी बड़ी बेटी किरण इज ऑलमोस्ट 40 नाउ बेटियों की तरह है But I look upon Mariam Bibi, clear, made up, choreographed. और मैं एक दफा कहा था कहते हैं कि अपने बाप की आवाज है वो जब ये अनफोल्ड होगी ना डॉन लीग्स वगैरह आपको पता लगेगा बीबी मरियम नवाज द नेचुरल सक्सेसर ऑफ नवाज शरीफ शुड हैव बीन शहबाज शरीफ नेचुरल उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी से ज्यादा वोट उसके पास नहीं वोट मियां के पास है आपको डर है ये डर है ये औरंगजेब है इसके बाद वो बेटा उसका आ जाएगा मेरी फैमिली पीछे रह जाएगी ये जिदाद की तरह देखते हैं यू थिंक कि मेरी ऊपर वाली मेरी है जमीनें नीचे वाली तुम्हारी हैं कहते हैं अकबर जब बादशाह था तो उसकी एम्पायर उसकी एस्टेट थी
ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को अपनी स्टेट समझते हैं। सानू कौन पूछ सकता, यानी ये कहना कि मेरी ताकत में कोई लिमिटेशंस हैं, मैं आई एम बाउंड बाय सर्टेन रूल सर्टेन लॉ, ये नहीं है। आई एम यू लार्जेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, एग्जैक्टली लाइक अकबर। ये दे दो गांव इनको, इनको 8,000 वाले गांव दे दो, शायद हम ये डिजर्व करते हैं। आपने बात शुरू की थी लोरियों से, तो शायद हम ये डिजर्व करते हैं। और मेरे मिठे पंजाबियों, अगर तुसी जी आया ना मियां फा पड़ा बड़ी जाफी हुई, असी तुहाडे पिछे जाम देने मर जाओगे पर तुहाडा पिछा नहीं चढ़ना। अल्लाह कहने तुहानू मुबारक होए बहू, मौजा करो। मैं कहूँ आपको कहने वाला, मैं ही मैं कहते एक शख्स है इस वक्त स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो इमरान खान है। गिव हिम वन चांस and only Punjab can do it. Naeem Bokhari, thank you Chachi, thank you, what a great afternoon, bahut shukriya.